नमस्कार किसान भाइयों, 6 जनवरी 2020 हीरो ऑर्गेनिक के इस YouTube चैनल हीरो ऑर्गेनिक किसान भगवान में आपका पुनः स्वागत है। मित्रों, हमने 1 तारीख को एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने एक डाली पे से नींबू तोड़ा था। लगभग आज 6 तारीख है, 5 दिन हो चुके हैं। कई किसान भाइयों के फ़ोन आए कि सर आपने नींबू तोड़ा लेकिन आपने काट के नहीं दिखाया, हम काट के भी देखना चाहते हैं उसको। हालांकि हमने काफ़ी वीडियो डाली हुई हैं जिसमें नींबू को काट के निचोड़ के हमने दिखाया हुआ है, लेकिन वो नींबू अभी हमारे पास है। मित्रों, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि कैमरा थोड़ा पास में लेके आएँ। उस दिन जब ये नींबू मेरे हाथ में था तो ये उस दिन हरा था, आज 5 दिन में ये लगभग पूरा पीला हो चुका है जिसको हम लोग मंडी में ख़रीदते हैं। ये नींबू है, देखिए वही नींबू है, आप साइज भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। 30 से 40 ग्राम का नींबू है, यही बाज़ार में सबसे महंगा बिकता है। ना तो सीडलेस नींबू बिकता है, ना कुमकाट नींबू इस भाव बिकता है, कोई भी नींबू बाज़ार में इससे महंगा नहीं बिकता है, क्योंकि इसमें खट्टापन सबसे अच्छा है। शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी है, 1 महीने की इसकी शेल्फ लाइफ है। दूसरे नींबूओं की शेल्फ लाइफ इतनी अच्छी नहीं है, हालांकि सीडलेस नींबू की शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो प्रोसेसिंग में यूज़ होता है क्योंकि उसकी शेप गोल ना के बराबर होती है। 30-35 ग्राम का बहुत कम आता है पौधे से, 100 किलो पे अगर बात करें तो 5 से 10 किलो ही आ पाएगा, नहीं तो सारा 40 ग्राम से 100 ग्राम तक हो जाता है। तो उसकी मार्केट वैल्यू सैलड कैटेगरी में कम है, प्रोसेसिंग के अंदर उसकी वैल्यू है। बाग उसका फल भी ज़्यादा देता है, लेकिन उसका जाता वही 8-10 रुपया किलो, ऐसे ऊपर तो बाज़ार में बहुत ही कम जाता है, बहुत कम हमने सुना है कि वो कहीं मंडी में बिक रहा हो। जो हमारे घरों में ठेलियों पे सब्जी वाले आते हैं, शॉपिंग मॉल्स पे हम लोग खरीदते हैं, वो यही नींबू है, कागजी बारहमासी नींबू 30 से 40 ग्राम का, जो सबसे खट्टा सबसे अच्छा होता है। मेडिकल इंडस्ट्री में भी इसकी बहुत अच्छी डिमांड है। जो हमारी माताएं बहनें रोजाना नींबू का कंजम्पशन करती हैं वेट लूज करने के लिए, वाइटामिन सी की पूर्ति करने के लिए, यही नींबू वो सबसे ज़्यादा पसंद करती हैं, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। सैलड कैटेगरी का लाइम है, स्वीट लाइम है। तो मित्रों, जैसे आपने मुझे अनुग्रह किया था कि मैं इसे काट के भी दिखाऊं, तो मैं इस वीडियो में आपको इस नींबू को काट के भी दिखा रहा हूं। ये देखियो मित्रों, ये नींबू है, देखिए, और इसको मैं कागजी नींबू, असली कागजी नींबू जिसकी शेल्फ लाइफ सबसे अच्छी है, किसी भी तरह के कार्बेट में लगाकर पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, नेचुरली पकेगा, 1 हफ्ते के अंदर पक जाएगा। तोड़ो, 1 हफ्ते के अंदर इसे बेच दो। छोटा नींबू भी 20 ग्राम का तोड़ोगे वो भी ऑटोमेटिकली पीला पड़ेगा। किसी तरह के केमिकल का कोई यूज़ नहीं करना है आपने, हार्मफुल केमिकल का यूज़ नहीं करना है। अपने खेतों को ऑर्गेनिक बनाना है, क्योंकि ऑर्गेनिक में ही प्राण है। केमिकल फूड हम लोग खा रहे हैं, प्राण शक्ति कम होती जा रही है, फायर जो फूड है उसकी डाइजेस्टिव वैल्यूज़ कम होती जा रही हैं। थाली के अंदर जो हम खाना खाते थे उसके अंदर ताकत घटती जा रही है, थाली की मात्रा तो बढ़ रही है लेकिन उसकी पावर जो है वो कम हो रही है दिन प्रतिदिन। तो मेरा ये भी अनुग्रह है किसान भाइयों से कि वो ऑर्गेनिक खेती पे शिफ्ट करें, धीरे धीरे ऑर्गेनिक पे शिफ्ट करें, एकदम तो नहीं हो पाएगा। तो ये वो नींबू है, नींबू पे फूल आप देख ही रहे हैं कितना है। अभी 6 तारीख है, ये भी नींबू दिखाइए, देखिए मित्रों ये साइज देख सकते हैं नींबू का, ये अभी डाली के ऊपर है, हरा है और ये पीला हो चुका है 1 हफ्ते के अंदर। और ये अगर हम निचोड़ें इसको तो आप देख सकते हैं काफी चला गया हाथ में से। छिलके की शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी है, जिससे फल जो है काफ़ी लंबे समय तक चलता है, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। घरों में अगर इसको लेकर रखें हम 0.5 किलो, 1 किलो, 1 पाव, तो काफ़ी दिनों तक हमारी माताएं बहनें इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। ये इसका रस है और बीज देखिए, इसमें मात्र 2 ही बीज निकले हैं, बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत ही अच्छा।
मजा आ गया। तो किसान भाइयों, ये पौधे खरीदने के लिए आप हमारे संपर्क कर सकते हैं। पौधे का कैरेक्टर आप देख ही रहे हैं, कितना अच्छा फूल और फल है। ये ऊपर भी फल है, ये नीचे भी फल हैं, बड़े रस हमने दिखाई दिया है आपको। सारे पौधे फूल और फल से लदे हुए हैं, अभी फ्लावरिंग चल रही है। पूरी सर्दी फ्लावर आएगा, पूरी गर्मी फल आएगा, गारंटी है हमारी। अगर नहीं आएगा तो जो पेनल्टी आप कहेंगे वो पेनल्टी हम देंगे। सिर्फ कागजी बारहमासी नींबू आप लगाएं, इसी से आपका भला होगा। उल्टी सीधी वैरायटी ना लगाएं, उनसे आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए पुनः आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।